ओके, निखिल जौहरी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यस सर, मायसेल्फ निखिल जौहरी, आई एम फ्रॉम उज्जैन, आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम लोकमान्य तिलक कॉलेज उज्जैन। नाउ आई एम इन फाइनल ईयर, ओके, दैट्स इट। दैट्स गुड। ओके, नाउ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन रिलेटेड विथ ऊप्स कंसेप्ट इन पायथन टू यू। ओके, टू चेक योर ऊप्स स्किल्स। यस सर, यस ओके, सर। तो टेल मी अबाउट व्हाट इज द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हाउ टू डिफाइन इट। Class is a collection of object. ओके, Means class is a logical entity that can have some specific attributes and methods. It contains specific attributes and methods. ओके, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। And object contains the behavior of any behavior and state of any class. ओके, व्हिच विल बी क्रिएटेड फर्स्ट। फर्स्ट यू विल क्रिएट क्लास और फर्स्ट यू विल क्रिएट ऑब्जेक्ट। First we will create class, then after we create object. ओके, मींस फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट एनी प्रोग्राम, देन Yes, sir. फर्स्ट यू विल डिसाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और फर्स्ट यू विल डिसाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासेस। क्लासेस मीन्स माई क्वेश्चन इज दैट क्लास इज डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट Yes, और sir. ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन क्लास। Class is depend on object. ओके, बट यू आर आंसरिंग मी दैट फर्स्ट यू विल क्रिएट द क्लास, आफ्टर दैट यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट। यस सर, सर कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। ओके ओके, नॉट एन यस, एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय क्लास। ओके, यस सर, फॉर रियलिस्टिक अप्रोच फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी डिफाइंड, आफ्टर दैट क्लास विल बी डिफाइंड, बट प्रैक्टिकल अप्रोच फर्स्ट यू विल क्रिएट द क्लास, आफ्टर दैट यू विल क्रिएट द यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, टू ओके सर, इंस्टेंशिएट द क्लास कंपोनेंट्स एंड रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ क्लासेस। ओके, फॉर रियलिस्टिक अप्रोच यस दिस इज द यस रिवर्स रिवर्स, एंड फॉर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन फर्स्ट यू विल क्रिएट द क्लास, आफ्टर दैट यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट। That is the answer of this question. Okay. What is a okay destructor sir, in Python? okay. What is destructor in Python? Destructor sir, exactly nahi pata destructor. Okay, you don't know about destructor. Means you have created the program, I think that you are using No destructor. sir. Okay. And what is No constructor? sir, What is destructor sir, constructor? constructor constructor used to मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कोई एक नहीं, ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल बिहेवियर्स को किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है तो उसको कंस्ट्रक्टर का यूज करके बनाते हैं। नो नो नो, ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर्स नॉट नॉट द बिहेवियर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डायनेमिक डेटा मेंबर ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर इज यस नथिंग, सर, इट इज जस्ट अ इनिशियलाइजर्स व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइजेशन ऑफ द डेटा यस सर, मेंबर्स ऑफ द क्लास, नथिंग एल्स। ओके यस यस ओके सर, ओके, कंस्ट्रक्टर यू नॉट शुड प्रिपेयर, यू शुड प्रिपेयर अगेन फॉर लूप्स। ओके, लॉट्स ऑफ लैक्स इन आंसर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडिडेट इज सचिन गौतम, कम हियर सचिन गौतम, कम इन वीडियो मोड। यस सर, यस, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई एम सचिन कुमार गौतम फ्रॉम सतना। आई एम डूइंग MCA एंड करेंटली, मतलब या कंटिन्यूसली यू कैन कम्युनिकेट इन हिंदी आल्सो इफ इफ एनी प्रॉब्लम्स इन जी। हिंदी, या बिकॉज द MCA इन नाउ द करेंट सिनेरियो हैज ईयर, कंप्लीटली चेंज। राइट नाउ यू विल गिव दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूज टू कॉर्पोरेट ऑल्सो। ओके, दैट्स वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस। यस सर, या टेल मी। यस सर,
Yes. You are comfortable in OOPS concept in Python? Yes. Okay. What is how many type of data members in Python? Data members in Python. Do you know about data members? No, sir. Data members mean variables. I am just asking about variables. Okay, variables will be defined as a data members in OOPS. I am just asking the type of data members. I think that it has two different type, class type data members, which that is also called static data members, and the second one is a instance type data members. It is also called dynamic data members. Dynamic. Okay, so you can simply say that class type data members and instance type data members. How to create instance type data members? Do you know about it? The instance type data member we can change to and dynamically dynamic type. Instance type we will change the dynamically. Yeah, it's correct, but I am just asking about to declaration, how to declare it. self self keyword is used to declare the instance type variables. Okay, variables and data members both are same in normal programming approach. We are just saying variables, and OOPS pattern it is called data members. Okay, that is the difference, nothing else. Yes, sir. Okay. Yes, sir. What is inheritance? Inheritance means we are execute the when one class ko ke code ko dusre class mein access karna inheritance kehlata hai. Okay, means to access the code of one class to another is called inheritance. Inheritance. Okay. How many type of inheritance is possible in Python? Single layer inheritance, multiple layer inheritance, and secure inheritance. Hierarchical, okay, and last one. Hierarchical, yes, sir. And last one, which is. I think that it is a multiple. Yes, sir. Okay. You should prepare a lot. Okay, and. Yes, sir. And improve your communication skills and your confidence skills also. Yes, sir. Problem थोड़ी से communication skill. You have no communication problem नहीं है, nervousness की problem है, agitation बहुत ज़्यादा है. जब आप इस तरीके से agitate होंगे तो आपको जो प्रश्न आएंगे ना उसकी भी उत्तर आप सही नहीं दे पाएंगे. इसलिए आपको प्रश्न का उत्तर देने से पहले थोड़ा सा प्रश्न के बारे में आप सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं. यदि आपको प्रश्न का जवाब नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, तो आप कम से कम इसको वेट टाइम कम करिए.